लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी के समर्थन में गुरुवार को टाउन हॉल गांधी प्रतिमा से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील किया गया। पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, शिशुपाल सिंह, दिलीप निषाद, तौकीर आलम, मार्कंडे सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के सभी संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुन्नी संवाददाता से बात करते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा, आज ये किसान कांग्रेस के तत्वाधान में श्री मधुसूदन तिवारी जी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके सहयोग के लिए निकाली जा रही है। उनकी बातों को, राहुल जी की बातों को जनता तक पहुंचाने का, राहुल जी ने जो न्याय किया है समाज के साथ, उनकी बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए आज ये करीब 12 किलोमीटर की यात्रा हम लोग शहर में करेंगे किसान कांग्रेस के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, सपा बसपा का जो गठबंधन है और बीजेपी, ये समझता है कि संगठन हमारे पास नहीं है, हमारा संगठन कमज़ोर है, तो ये हमारा संगठन है जिसमें किसानों के बच्चे और किसान हमारे साथ चल करके पूरे शहर को बताएंगे कि कितने बड़े अन्याय और आतताई ये लोग।